नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बाजार का अपडेट देना चाहता हूं, कुछ स्टॉक्स जो खबरों में उनके बारे में शेयर करना चाहता हूं और एक बार फिर से बाजार काफी शानदार तेजी दिखाते हुए। पहले अमेरिका के बाजार का अपडेट दे देते हैं। डाउ जोन्स लगभग 50-55 पॉइंट्स की तेजी के साथ 57 पॉइंट्स की तेजी के साथ बंद हुआ है। जब मैंने कल लास्ट वीडियो शेयर करी थी तो अराउंड 112 पॉइंट समथिंग ऊपर था, लेकिन केवल डाउ जोन्स ही ऊपर था। यही मैंने आप सभी के साथ तब भी शेयर किया था और अभी भी एक्जेक्टली वही देखने को मिला है। डाउ जोन्स में जो तेजी है वो केवल 57 पॉइंट्स की देखने को मिली, लेकिन नेस्डेक इंडेक्स ऑलमोस्ट 1% नीचे दिखा, 0.9% गिरकर बंद हुआ है। S&P 500 0.32% गिरकर बंद हुआ है और रसल 2000 1% गिरकर बंद हुआ है। विक्स की बात की जाए तो हल्का घटता हुआ दिखा है, तो ये एक अच्छी बात है अमेरिका में, बाकी सब कुछ तो नेगेटिव देखने को मिला। यूरोप के बाजार की बात की जाए तो कुछ खास नहीं दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, लेकिन एशिया पैसिफिक निकाई 0.25% नीचे है, शंघाई 0.5% नीचे है, हैंगसेंग अभी ओपन नहीं है, एंड कॉस्पी की बात की जाए तो 0.5% नीचे देखने को मिल रहा है आपको। ऐसे में भारतीय बाजार पूरी दुनिया भर के बाजार को आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं और हम लोग निफ्टी पे 19,774 के लेवल्स पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। सेंसेक्स 210 पॉइंट ऊपर 66,476 के लेवल पे, बैंक निफ्टी में लगभग 44,900 का लेवल देखने को मिल रहा है, 20 पॉइंट्स की तेजी है और ऊपर से लगभग 100 पॉइंट्स नीचे आते हुए दिखे। देखिए एक ही चीज बोलूंगा मैं, दो तीन दिन से तो लॉन्ग टर्म पोजिशनल टाइप से बोल ही रहा हूँ आपसे, लॉन्ग टर्म काट दीजिए, पोजिशनल मीन्स की 2 महीने 1 महीने के व्यू से, कि ये समय खरीदारी का नहीं है, अपना पैसा बनाने की नहीं बचाने की सोचो। देखिए जब डीमेट अकाउंट में आपका पैसा होता है तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाता है, वो केवल डीमेट अकाउंट में रहता नहीं है और अब कोई रखता भी है तो उसे कहीं ना कहीं ब्रोकर आपकी बैंक में बेच देता है, तो वापस ऐड करने के झंझट से भी लोग बचना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं कि इतने के लिए ही खरीद लेते हैं। ये चीज करना ही करना पड़ता है, सब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप ही कर रहे हो, किसी के हाथ नहीं मानते डीमेट में पैसा रखने के लिए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं इस समय पैसा ऐसी जगह लगाना है जहां पैसा बिगड़े ना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। कमाई के लिए सोचने का समय है ही नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई आपको स्टॉक ही सजेस्ट नहीं कर रहे, आजकल केवल अपडेट दे रहे हो, भाई मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं है इस लेवल पे खरीदारी करने के लिए, तो मैं आपको कैसे दे दूं। आप डेली बेस पे तेजी बेशक देख रहे हो, लेकिन एक रिस्क मैनेजमेंट जो होता है ना वो यहाँ पे परफेक्ट नहीं बैठता। आपको दुनिया भर के बाजार दिख रहे हैं नीचे आ रहे हैं, आप कह रहे हो भाई बाजार आउट परफॉर्म कर रहा है, भारत की इकोनॉमी शानदार है, मैं भी आपके साथ हूँ, लेकिन ये इकोनॉमी अगस्त में क्यों नहीं चल रही थी जब दुनिया भर के बाजार चल रहे थे? इसके पीछे का रीजन था कि अगस्त में एक्सपायरी रिलेटेड मूव था, तो जो अगस्त में दुनिया भर के बाजार ऊपर गए हैं हम लोग नहीं गए तो उसको हमने कवर कर दिया। अब दुनिया भर के नीचे आ गए, हमारा नीचे आना रह गया है, तो आज नहीं तो कल बाजार नीचे आएगा, जिस बीच में मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा बिना बात के डिप्लॉय हो जाए, चाहे आप हो चाहे मैं हो, मेरे को या आपको किसी को नहीं पता कि कब बाजार गिरेगा, लेकिन गिरेगा। व्यू संकेत नेगेटिव आ रहे हैं ये मेरे को दिख रहा है, मैं जो संकेत आ रहे हैं उस पर ट्रेड करता हूं, जो प्राइस दिख रहा है उस पर ट्रेड करेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे आप कर सकते हैं। अभी ऊपर जा रहा है मैं ऊपर खेल रहा हूं, नीचे जा रहा है मैं नीचे खेल रहा हूं, पोजीशन मेरे को कन्वर्ट करना आनी चाहिए, मेरे को अड़ियल नहीं होना है कि मैं तो तेजी में ही रहूंगा, बाजार नीचे आने लगा फिर भी तेजी में रहूंगा, ऐसा नहीं होना है। अभी मैं एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा हूँ कि ये भाव सही नहीं दिख रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से भी सहारा नहीं है। अब निफ्टी की बात की जाए तो आपके लिए 50 पॉइंट ऊपर देखने को मिल रहा है, सेंसेक्स 200 पॉइंट, बैंक निफ्टी 35 पॉइंट ऊपर है और मिड कैप स्मॉल कैप आज भी आउट परफॉर्म, आधे परसेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में। सेक्टर स्पेसिफिक देखा जाए तो रियलिटी सेक्टर एक बार फिर से शानदार तेजी में देखने को मिल रहा है, एनर्जी में लगभग 0.85% की तेजी है, रियलिटी में 0.135% की तेजी देखने को मिल रही है। फार्मा की बात की जाए तो ये आज टॉप लूजर्स हैं, जो कि केवल और केवल 0.18% नीचे देखने को मिल रहे हैं आपको। स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए तो 1300 शेयर्स पॉजिटिव है एनएससी पे, जिसके सामने 570 शेयर्स नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। आज के टॉप गेनर एक बार फिर शिपिंग काउंटर से मजगांव डॉक और कोचिंग शिपयार्ड है। यहाँ पे मजगांव डॉक के लिए एक बड़ी खबर भी आती हुई दिखी अमेरिका की तरफ से, जो मैं आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बारे में जब बात करूंगा तो शेयर करूंगा। ग्रेफाइट 6.5% ऊपर है, HEG भी एक्जैक्टली 6.5% ऊपर है, तो ये दोनों सिमिलर मूव देते हैं, तो सिमिलर ही आ रहा है मूव। बात की जाए शोभा की तो यहाँ 5% की तेजी है। गिरने वाले शेयर्स में MMDC का नाम सामने आ रहा है, 2 दिन 20-20% फिर 5-10% भागने के बाद आज 3.5% गिरता हुआ दिख रहा है। GICRE लगभग 2% नीचे है, NHPC में लगभग 2% की गिरावट है, दिव्यानी इंटरनेशनल बड़ी तेजी के बाद 1.5% नीचे है, तो ये कुछ स्टॉक है जहाँ पे एक्शन देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात की जाए तो अब जियो फाइनेंस का शेयर निफ्टी से बाहर हो चुका है, आप देख पा रहे हो 50 के 50 शेयर लिस्ट है केवल और केवल निफ्टी में। टॉप गेनर्स की बात की जाए तो NTPC, बजाज फाइनेंस, L&T शानदार मूव चल रहा है L&T में, तो 26 शेयर्स पॉजिटिव है, इसको लीड शेयर्स कर रहे हैं। गिरावट की बात की जाए तो आज के सेशन में हिंडालको, अपोलो हॉस्पिटल, JSW स्टील, ये कुछ गिरावट वाले स्टॉक्स हैं जो गिरावट को लीड करते हुए दिख रहे हैं आपको। स्टॉक स्पेसिफिक काफी एक्शन है, खबरों में काफी सारे स्टॉक्स हैं लाइक नेटको फार्मा, तेजस नेटवर्क, लैंडमार्क कास्ट, मजगांव डॉक, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा भी,
जेएसडब्ल्यू स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक और किर्लोस्कर फेरस, बहुत सारे स्टॉक है जो खबरों के दम पर आज एक्शन दे रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो से बात करेंगे, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा और अपने स्टॉक का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।